सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चुनाव आयोग से दो दो हाथ करने को ठानते हुए सीकर से चुनाव में चल रही मौजूदा व्यवस्था को बदलने की मांग को लेकर आंदोलन का शंखनाद किया। अन्ना हजारे ने सीकर के जनभवन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संविधान से ऊपर और चुनाव जैसी व्यवस्था संविधान की गलतियां उठाई जा रही है। इस मौके पर अन्ना ने देश में बदलाव के लिए सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन पर जोर दिया। साथ ही अन्ना ने चुनाव में दलित पेपर का चुनाव चिन्ह और पार्टी के आधार पर चुनाव की व्यवस्था को गैर संवैधानिक बताते हुए इसे बदलने के लिए लोगों से आजादी के बीच जन में शामिल होने की अपील की। अन्ना ने लोगों से अपील करते हुए चुनाव आयोग चुनाव में डोनेशन के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल खोले जाने पर रोक लगाने की मांग कर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें कौन मारना चाहता है इस बारे में उन्हें पता नहीं। उनका जीवन देश के लिए है और धमकियों से उन्हें डर नहीं लगता। अन्ना हजारे सीकर में जान से मारने की धमकी मिलने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें आठवीं बार जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन वो तो साल 1965 में ही मर गए थे जब सेना में रहते हुए उनके कई साथी युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अब उनका जीवन देश के लिए है, धमकियों से उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले मर गया, अभी में मारने से क्या होगा? वो शरीर को मारने से क्या होगा? मृत्यु तो पहले मर गया हमारा। कैसे? वो 1965 इन्होंने पहले से ही मर गया। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, तो मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं उसमें से बच गया। यहाँ एक टुकड़ा लग गया गोली का, तो मृत्यु तो मेरे आंख से देखा मैंने। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती मनाई गई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को लोकतंत्र प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाड़मेर जिले में पिछले कुछ सालों से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी आम बात हो गई है। यहां आए दिन हथियार और मादक पदार्थों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक और ताजा मामला सामने आया है। पुलिस बायतू थाना इलाके के सोमेसरा गांव के पूर्व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस नेता जासाराम धतरवाल जाट के घर दबिश देकर 7.5 क्विंटल लूडा पोस्ट, 600 ग्राम अफीम का दूध और 3,07,000 रूपए नकदी और 45 जिंदा कारतूस किए हैं। साथ ही पुलिस ने सोमेसरा सरपंच पति सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही कांग्रेस नेता जसाराम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश तेज कर दी और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। बड़ी तादाद में ये माल मिल सकता है और उसमें जिसका माल था उसकी भी इतला दी गई थी। इस इतला पर SHO बायतू और SHO नागाना की कंबाइंड टीम और इसके साथ हमारी स्पेशल टीम इन दिनों दबिश दी और दबिश के दौरान इसमें कुल लगभग 7.5 क्विंटल डोडा, लगभग 600 ग्राम अफीम दूध, 45 कारतूस और पैकिंग का सामान और वजन करने की वेइंग मशीन्स, ये इसमें अभी मौके पर ही बरामद हुआ है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की तस्करी का मामला सामने आया है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक ट्रॉले से करीब 16 ऊंटों को बरामद किया। ट्रॉले में ऊंटों को निर्दयता पूर्वक भरा गया था जिसमें कई ऊंट जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रॉले के साथ दो लोगों को पकड़ा है। फिलहाल ऊंटों की तस्करी को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं ट्रॉले को जब्त कर लिया गया है। आज दिनांक 11 को गश्त कर रहे थे, उस टाइम HR नंबर 55-35-32 को चेक किया रुकवा के, तो उसमें 16 ऊंट एक ठूस ठूस कर भर रखे थे, जिनको जब्त कर ऊंटों को रिहा किया गया और मुलजिमों को गिरफ्तार। जोधपुर में कांस्टेबल को कानून मंत्री के बेटे की गाड़ी का चालान काटना भारी पड़ गया। ईमानदारी से ड्यूटी निभाने वाले हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर विधि मंत्री अर्जुन गर्ग के बेटे की बाइक का चालान काट दिया था। घटना के वक्त बाइक अर्जुन गर्ग के बेटे नवरतन गर्ग चला रहे थे। पीछे बैठे उनके साथी ने हेलमेट नहीं पहना था जिस वजह से चालान काटा। नवरतन गर्ग ने हेड कांस्टेबल पर 200 रूपये की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। बहरहाल घटना के बाद हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मंत्री अर्जुन गर्ग ने खुद को इस मामले से अलग बताया है। नहीं, यदि उसने गलती
की है तो उसको चालान काटा तो सही है, पुलिस ने अपना धर्म निभाया है। आप क्या आरोप लगा सकते हैं? आपने नहीं, मेरी कहीं पे भी इसमें भूमिका नहीं है। मैंने जब उनसे जो भी इंचार्ज थे उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा साहब चालान काट दिया है। एक कोई कांस्टेबल ने गाड़ी रुकाई और बोला कि हेलमेट का तुम्हारा, तो गाड़ी रुकाई और मैंने बोला कि हेलमेट तो हम जल्दी जल्दी में आए और कोई अर्जेंट काम था तो एक पहन नहीं पाए, एक लेने आए साथ में। फिर उसने बोला कि चलो एक काम करो 200-300 रुपये दो और निकल जाओ कोई नहीं। मैंने कहा 200-300 रुपये क्यों दो भाई, और भी तो है, उनके हेलमेट नहीं है। तो बोल रहा तू मुझे क्या कानून सिखाएगा और ये ऐसे बस करने लगा मुझसे। तो मैंने कहा ऐसा करो चालान काट दो आप, तो उसने चालान काट दिया, फिर मैं तो वहाँ से निकल गया। बाकी बात मुझे नहीं। अलवर जिले के तिजारा इलाके के बिरला गांव में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस को लोगों ने बंधक बनाया। यहां उनकी गाड़ी से हवा निकाल दी गई। यही नहीं, लोगों ने मौके पर मौजूद अपराधी को भगा दिया। पुलिसकर्मियों के बंधक बनाने की सूचना पर तिजारा टपुकड़ा सहित आसपास के थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बिरला गांव का रहने वाला छतर दमन खापने गांव मौजूद है। रिवाड़ी थाना प्रभारी 2-3 पुलिस वालों को लेकर आरोपी को पकड़ने पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते उनका दांव उल्टा पड़ गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इटावा के खातौली पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। खातौली के रहने वाले एक युवक ने धनजीत के बदनाम के शख्स पर बेचान भूमि को दोबारा मोटी रकम पर बेचने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी धनजीत को थाने लाकर पूछताछ की थी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात निकले। पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, जबकि लोगों का कहना है कि आरोपी के ठगी के शिकार हुए हैं कई लोग, लेकिन एएसआई ने आरोपी का बचाव किया है। प्रतापगढ़ जिला इन दिनों राम भरोसे है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अधिकारी अपने दफ्तर में नंबर मिलते हैं। ऐसे में अधिकतर समय गुहार लेकर आने वाले लोग इधर उधर भटकते नजर आते हैं। जिले का कोई भी विभाग हो, काम भगवान भरोसे ही होता है। अधिकारियों के न मिलने से कोई भी काम करवाना टेढ़ी की साबित हो रहा है। खुद अधिकतर समय नदारद रहने वाले अतिरिक्त जिला कलेक्टर से इस बारे में बात की गई तो वो कर्मचारियों का कमी का रोना रोते हुए नजर आए। चौमू में राशन डीलर्स की मनमानी से नाराज लोगों ने विधायक निवास के सामने जमकर हंगामा किया। ग्रामीण राशन डीलर्स को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। मामला सामोद इलाके का है, जहां गांव वालों ने दो राशन डीलर सुरज्ञान मीणा बजरंग मीणा पर मनमानी का आरोप लगाया। गांव वालों का आरोप है कि डीलर उपभोक्ताओं को राशन नहीं देते। इस बारे में ग्रामीण अधिकारी से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। जनता को मतलब समय समय पे गेहूँ नहीं देते हैं, जनता जाती है तो उनको दम बाकी देते हैं और मन मर्जी से मतलब कहता है कि भाई दाम हट गए और खुद ही नाम हटाता है राशन कार्ड के अंदर से। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब राशन डीलर को हटाया जाए और ये कोटा दूसरा को दिलाया जाए। भरतपुर में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला जनाना अस्पताल का है, जहां कांजोली गांव की महिला ने 4 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई है। बच्चे की गंभीर हालत के बारे में परिजनों को कुछ नहीं बताया गया था। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर एडीएम सिटी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। खबर अलवर के तिजारा से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगली सर्किल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आरोपी के छात्रों को पुलिस ने हटने को कहा, लेकिन वो नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया। छात्रों का कहना है कि मासूम के आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, वहीं इस मसले पर पुलिस बोलने से इंकार कर रही है। अन्या है लड़की है जिसका बलात्कार हुआ है, उसके अभी तक आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया, जो कि अभी मिले नहीं है, जिनके लिए प्रशासन की पूरी पूरी गलतियां हैं, जिनके वैसे प्रशासन ने अभी कोई इतनी तरीके से काम नहीं कर रहा, जिनका कम से कम उनको पकड़ा जाए, उनको सजा से मुख से भारी से भारी सजा दी जाए, जिससे कि हमारे समाज के अंदर ऐसी दुष्कर्म होते हैं ये कम से कम हो, बिल्कुल खत्म हो। केकड़ी के देव गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप की कोशिश में पुलिस के पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी की काफी महंगी पड़ी। गांव वालों ने आरोपी को लगभग 7 घंटे तक पेड़ से लटकाए रखा। सूचना पर डीएसपी और एसडीएम गांव पहुंचे, लेकिन नाराज लोगों ने दोनों अधिकारियों को पीड़ित तक नहीं पहुंचने दिया। गांव वालों की मांग थी कि उप मामले में केकड़ी पुलिस के एसआई और गांव वालों
और पीड़िता के परिजनों के साथ बदसलूकी की है। जब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जाता वो आरोपी को नहीं ले जाने देंगे। आखिर में डीएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। झुंझुनू में विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना बानगोथड़ी खुर्द की है, जहां ज्योति नाम की युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि ज्योति ने एक महीने पहले ही लव मैरिज की थी, पंजाब की रहने वाली थी। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप कर मामले की जांच शुरू कर दी। भरतपुर के बजरंग नगर कॉलोनी में कमरे से एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि मृत युवक के परिवार के लोग कहीं गए हुए थे। जब वो घर वापस लौटे तो कमरे का दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने के बाद जब कमरे में कोई हरकत नहीं हुई तो छत के जरिए एक बच्चे को कमरे में अंदर पहुंचाया गया, जहां सतीश मृत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज एक करीब 12:30 सूचना मिली थी कि बजरंग नगर में जो है एक घर में लाश है। मौके पहुंचे हमने, खाट पे जो सोती हुई लाश थी, इसके गर्दन पे धारदार हथियार से वार किया। मृतक का नाम सतीश कुंतल है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। यहाँ पे कोई वैसी कोई वो नहीं है और हर पहलू पे इसकी जांच की जाएगी। भादरा में युवक की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना भरवाना गांव की है, जहां प्रकाश नाम का युवक घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात आरोपी वहां पहुंचे और धारदार हथियार से वार कर ओम प्रकाश की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बूंदी शहर के जैत सागर तालाब में पानी में तैरती हुई स्कूटी मिली है, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्कूटी को बाहर निकाला। स्कूटी की तलाशी ली गई तो बड़ोदिया गांव में छात्र लोकेंद्र हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले। छात्र लोकेंद्र के पहचान पत्र, स्कूल बैग से चेन, सीडी बरामद हुई है। बड़ोदिया गांव में 20 दिन पहले लोकेंद्र की हत्या हुई थी। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने हिंदौरी थाना पुलिस को सारे तथ्य सौंप दिए हैं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने बनास नदी के पेटे में लीज जारी पट्टे कर दिए हैं, लेकिन अब यही लीज सरकार की गले की फांस बन गई है। टोंक जिले में अब ग्रामीण बजरी लीज धारकों के विरोध में उतर आए हैं। बनास नदी के किनारे बसे दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां किसानों के आय के स्रोत खेती है। बनास नदी के दोहन से उनके सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में किसान किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। टोंक में बजरी को लेकर उठा तूफान, न तो प्रशासन शांत कर पा रहा है और न ही सरकार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोपालपुरा गांव में सरकारी स्कूल में सभागार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में हर साल सेना भर्ती करवाने का वादा भी किया और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए लाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने स्कूल को सांसद कोटे से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। समाज के अंदर कई काम ऐसे होते हैं जो समाज में रहने वाले व्यक्ति आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी समझकर समाज के लिए आगे बढ़ाते हैं काम को। उसी तरह से आज स्कूल के अंदर दो कक्ष जोड़े गए हैं और वो यहाँ के जो पुराने सरपंच थे उन्होंने, वो खुद शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन उन्होंने यहाँ रखे थे, तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था ये उसको ध्यान में रखते हुए था। और एक अवसर मिल जाता है लोगों से आगे बातचीत करने का, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको समझने का। झुंझुनू में शिक्षा, संस्कार और अधिकार को लेकर ब्राह्मण महासंघ की अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि शिक्षा, संस्कार और अधिकार को बचाने के लिए ब्राह्मण महासंघ न सिर्फ अभियान चलाएगा बल्कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेगा। बैठक में फैसला लिया गया कि हर युवा को शिक्षा मिले और संस्कारवान शिक्षा दिया जाए, इसे लेकर अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 14% आरक्षण दिलाने के लिए भी फैसला लिया गया। ब्राह्मण महासंघ अब गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएगा। सेना भर्ती में हिस्सा लेकर लौट रहे युवकों ने नागौर जिले के कई स्टेशनों पर जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने मेड़ता रोड और नागौर स्टेशनों पर कई बार चेन पुलिंग भी की, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे बाकी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बीकानेर में पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवक सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभ्यर्थी ज्यादा होने से उन्हें लौटने को कहा गया। इससे नाराज युवकों ने अपनी भड़ास वापसी में ट्रेन में निकाली।
धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लाठीभाटा जंग और फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के पांच लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने घायल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला कोलारी थाना इलाके के बद्रिका गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव के सुरेश और श्रीराम के परिवार से चुनावी रंजिश चली आ रही है। सुरेश के परिवार वाले घर के सामने सिरबल को सही कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जैसे कारण सर, वो पहले हम इलेक्शन लड़ता था हमारे खिलाफ में, अब वो हार गया। अचानक उसके घर के सामने अपना समरसेबल पूरे ट्यूबवेल, उसको हम सही कर रहे थे। गेट में से कल शाम को उन्होंने गाली गलौज किया। अभी सुबह हम जैसे ही बोरिंग पे गए उसके घर के सामने, जैसे ही वो आ कर हमने देवा लगी, उन्होंने गोली चलाई, वो मेरे चाचा ही पैर में लगी, वो सिग्नल मार्च चल रही थी। फिर वो फस्सा लगाया, पापा के फस्सा लगाया। यहाँ पर पाँच छः मरीज झगड़े में कोलारी थाना के बदरगा के गांव के भर्ती हुए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि आपसी रंजिश के कारण गोलियां चली हैं, जिसके एक मरीज के गोली लगने का सगे पैर में पार निकल गई है। आगे उसकी जांच के आने पता पड़ेगा, और इसमें एक को कर दिया गया है और अब सामान जिला दौलतपुर में इलाज चल रहा है। खबर इटावा से, जहां खराब हुई फसल के एवज में मुआवजा राशि में हुए धोखाधड़ी के खिलाफ एक किसान ने खातौली थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि गेंता निवासी ओंकारलाल धाकड़ ने सहकारी समिति तालाब के व्यवस्थापक और रामप्रसाद सुमन और हल्का पटवारी इमरान के साथ खातौली निवासी कंचन बाई गुर्जर पुरुषोत्तम गुर्जर के खिलाफ धोखाधड़ी कर फसल मुआवजा राशि हड़पने का केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। भरतपुर में बहादुर बच्ची अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर भागने में कामयाब रही। बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पीड़ित बच्ची उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली है, जिसने नशीला पदार्थ सुंघाकर कुछ बदमाशों ने अगवा कर दिया था। जब बच्ची को होश आया तो उसने खुद को ढूंढा रेलवे स्टेशन पर पाया। बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के हाथ में दांत काट लिया और वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। बाद में बच्ची ने एक यात्री को अपनी आपबीती सुना। यात्री ने बच्ची को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को अपने पिता का फोन नंबर याद था। बाद में चाइल्ड लाइन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बच्ची के पिता को बुलाकर बच्ची को उनके हवाले कर दिया। झुंझुनू में एक परिवार अल्जीरिया में फंसे बेटे के वापस लौट आने का इंतजार कर रहा है। मामला गुढ़ा गौड़जी इलाके का है, जहां मुकेश के परिजन उसके अल्जीरिया से वापस लौटने के इंतजार में हैं। पिछले चार महीने से अल्जीरिया में फंसा है। मुकेश चार महीने पहले मजदूरी करने अल्जीरिया गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। परिजनों का कहना है कि अल्जीरिया की कंपनी मुकेश को बिना पगार दिए उससे काम करा रही है। मुकेश इंडिया भेजने की बात कहता है तो उसे पैसे मांगे जाते हैं। मुकेश का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। देखिए जाओगे तो पैसा कमाओगे, अपना घर खर्चो चलो भाई, मांग का पैसा उतर जाऊंगा। अब मैंने एक भी नहीं चार मना में एक भी सो एक प्रकार को कौन दिया। मैं घर में वो ये कमाओ, मैं के तो खावा के मांगने रोज के घर आके जाए, मैं कठे से जाए। घर की स्थिति खराब होने के कारण, लेकिन उन्हें वहाँ जाने पर तनख्वाह नहीं मिली, जिसके कारण घर की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए लानरों में इन दिनों बंदर का आतंक बना हुआ है। आदमखोर बन चुके बंदर ने पिछले दो दिनों में 15 से ज्यादा बच्चों को अपना निशाना बना लिया है। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदर के आतंक के चलते अब इलाके में दहशत का माहौल है। बंदर के आतंक का आलम यह है कि लोग अपने ही घरों के छतों के ऊपर चढ़ना बंद कर दिया है। उनका सोना भी दूभर हो गया है। कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़ने की कोशिश नहीं की है अब तक। अबुरोड में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा आमथला के पास हुआ, जहां सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखचे उड़ गए और पूरी बाइक ट्रॉली के नीचे फंस गई। खबर मेड़ता सिटी से, जहां मुर्रा चौराहे के पास एक कार और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अजमेर के अस्पताल में रेफर किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
धौलपुर में बीते 29 सितंबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड में एक हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाशी भी शुरू कर दी है। 29 सितंबर को निहालगंज थाना से 5 कदम की दूरी पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप व्यवसायी से 20,38,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही बाकी बदमाशों को पकड़ने का भरोसा भी दिया है। पल्सर पर आए 3 बदमाशों ने एक्टिवा के आगे पल्सर को लगाकर उनको रोका और उनके कनपटी और छाती पर देसी कट्टे लगाकर उनके पास स्थित बैग जिसमें करीब 20 लाख रुपए के ऊपर की रकम थी उसको छीन लिया और भाग निकले। मुखबिरों की सूचना के इस आधार पर और सूचना पुख्ता होने पर रवि त्यागी को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। गिरफ्त में आया गिरोह राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली के तारों और उपकरणों को चुराकर विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया है। पुलिस को लंबे वक्त से इस गिरोह की तलाश थी। पुलिस ने पकड़े गिरोह की निशानदेही पर चुराए गए करीब 10 लाख रुपए के बिजली के तार और उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। जयपुर में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। घटना गांधीनगर मोड़ के पास की है जहां रेजिडेंसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लोग बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोग पहुंच गए थे, पूरा कंट्रोल कर लिया है। आग पूरी तरीके से हम बुझा चुके हैं और आग जैसी चीज अब वहाँ पे कुछ है नहीं। गर्मी है, तपन है काफी, तो पानी डाल रहे हैं स्प्रे करके उसको कूल कर रहे हैं। अभी वजह का कुछ कह नहीं सकते कि क्या वजह, अभी देखेंगे, तलाश करेंगे क्या वजह। ऑफिस खबरदार के बुजावर उपखंड से है जहां वाजरायन खानपुर गांव के वन क्षेत्र में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 5 किलोमीटर के इलाके में फैल गई। गांव वालों ने बताया कि सूचना के कई घंटों बाद भी दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिस वजह से आग बढ़ती गई। कई बार इत्तला देने के बाद नगर पालिका से घंटों बाद छोटी दमकल को भेजा गया लेकिन उसमें भी पानी नहीं था। पानी के बिना अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस दोनों ही तमाशा देखते रहे। आग किस कारण से लगी अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। खबर अलवर से जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जोधपुर स्वीट सरोम जोधपुर स्वीट्स के कारखानों पर कार्रवाई की। ये निर्देश दिए हैं कि खामियों को जल्द खत्म किया जाए। सीएमएचओ हंसराज मीणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से उन्हें मिठाइयों में मिलावट की शिकायत मिल रही थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं जिसकी जाँच चल रही है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। त्योहारों का मौसम आते ही खाद्य निरीक्षण विभाग ने कमर कस ली है। रावतसर में खाद्य निरीक्षण अधिकारी ने कई दुकानों और होटलों से खाने पीने के सामान के सैंपल लेकर मौके पर कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद दुकानदारों में यहां पर हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों में ताला लगा लिया और मौके से फरार हो गए। चलिए अब आपको धैर्यवाद ले चलते हैं जहां एक परिवार अपनी 2 साल की बेटी को साथ लेकर घर घर बेटियों को बचाने का संदेश दे रहा है। ये दंपति प्रदेश के सभी जिलों के 200 विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर बेटियों को बचाने की अपील कर रहा है। बेटियां पिता का मान और परिवार की शान है। बेटियां घर के आंगन को खुशियों से भर देने वाला वरदान है। बेटियां कितनी अनमोल है। इस बात को धरियावाद में बेटियों के बचाने की मुहिम चला रहे इस परिवार से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ये है बीके भारती और उनकी पत्नी नीता भारती जो कि अपनी 2 साल की नन्ही बेटी के साथ बेटियों को बचाने का संकल्प लेकर एक अनोखे सफर पर निकल चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया भारत सरकार की ओर से, हमारा उद्देश्य है कि हम संपूर्ण राजस्थान भर में भ्रमण करके 200 विधानसभा क्षेत्रों में इस संदेश को जन जन तक पहुंचाए। मूल रूप से डूंगरपुर के रहने वाला ये परिवार प्रदेश के सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर बेटियों को बचाने की अपील कर रहा। अब तक ये दोनों 12 विधानसभा क्षेत्रों में अपना संदेश पहुंचा चुके हैं और इस मुहिम में उनकी 2 साल की बेटी भी उनका साथ निभा रही है। हम 200 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और सभी कॉलेज और स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। हमारा यही मानना है कि सभी गर्ल्स आज के जो हैं वो जागरूक हो, इसी संदेश के साथ हम
आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रदेश में जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें पढ़ाई से वंचित कर छोटी उम्र में ब्याह दिया जाता है, ऐसे प्रदेश में बिना किसी सरकारी मदद के बेटियों के बचाने की अलख जगा रही ये दंपति उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है जो कि अभी भी बेटियों को बोझ समझने वाली मानसिकता से उभर नहीं पाए हैं। धरियावाद से गिरीश पालीवाल, समाचार प्लस।